क्या सभी को देना पड़ेगा यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज? हेलो दोस्तों, यदि आपने भी यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगने की खबर पढ़ी है और इस खबर को सुनकर हैरान हैं, तो निश्चिंत रहिए, यूपीआई पेमेंट पर 1 अप्रैल से आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की व्यवस्था को देखने वाली संस्थान नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने बुधवार को साफ कह दिया है कि यूपीआई यूजर्स को ट्रांजैक्शन पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। काफ़ी खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि यूपीआई पर 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर आपको अलग से चार्ज देना होगा। अब एनपीसीआई ने बताया है कि कस्टमर को ऐसा कोई भी चार्ज नहीं देना है। ये शर्त केवल प्रीपेड वॉलेट के द्वारा किए गए पेमेंट पर इंटरचेंज फीस लगेगी। एनपीसीआई ने आज कहा है कि यूपीआई से पेमेंट पर पुरानी व्यवस्था जैसे की तैसे है, इस पेमेंट सिस्टम में कोई भी बदलाव नहीं है। 2,000 रुपये तक के पेमेंट पर अभी भी कोई चार्ज नहीं लगता है, यानी कि बैंक अकाउंट से किसी भी अन्य बैंक खाते में की गई पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन प्रीपेड वॉलेट के द्वारा की गई यूपीआई पेमेंट पर मर्चेंट को चार्ज देना होगा। इस पर ग्राहक का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, यानी कि ग्राहक को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे ट्रांजेक्शन की संख्या 1% से भी कम है। एनपीसीआई ने कहा है कि यूपीआई फ्री, फास्ट, सिक्योर और सिमलेस है। हर महीने बैंक अकाउंट के द्वारा कस्टमर और मर्चेंट्स के लिए 8 बिलियन ट्रांजेक्शन प्रोसेस होते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं। यूपीआई के जरिए सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट को लिंक करके किया जाता है। ऐसे ट्रांजेक्शन 99.9% है। ऐसे बैंक अकाउंट वाले ट्रांजेक्शन अभी भी फ्री हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट कीजिए।